हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं हूं आप सबके साथ एक बार फिर से, ममता सचदेवा। थोड़ी सी बेटर लग रही हूं। और आज की स्टोरी ये है कि मैं जकार्ता आई थी कल, और मैं जकार्ता आने वाली नहीं थी। आप कहेंगे कि आने वाली नहीं थी तो कैसी आ गई? तो आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बताने के लिए एक वीडियो बनाई है। मैं एक्चुअली स्टैंड बाय पे थी। स्टैंड बाय ड्यूटी क्या होती है हमारी, कि एक सर्टन टाइम से लेकर एक सर्टन टाइम तक जो कैबिन क्रू मेंबर्स हैं या कैबिन मैनेजर्स हैं, उनको थोड़ा टाइम यू नो स्टैंड बाय ड्यूटी पे कभी कभी डाल दिया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि लास्ट मिनट अगर कोई कैबिन क्रू मेंबर कॉल सिक कर देता है, या उसके डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रह जाते हैं, या कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जाए जिसकी वजह से एक कैबिन क्रू या कैबिन मैनेजर को लास्ट मिनट पे, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल लास्ट मिनट पे बुलाया जाता है, उस ड्यूटी को जो कहते हैं वो कैबिन वो सॉरी स्टैंड बाय ड्यूटी कहते हैं। मैं कैबिन पता नहीं क्या बोलने वाली थी। सो स्टैंड बाय ड्यूटी से मैं पुल हुई थी। मेरा स्टैंड बाय एक्चुअली मॉर्निंग में शुरू होना था, बट ऑल ऑफ सडन वो चेंज होके शाम का हो गया। और शाम को जब स्टैंड बाय हुआ तो 5 साढ़े 5 घंटे के बाद मुझे फोन आता है कि जी आपको पुल कर लिया गया है, आप इंडोनेशिया जा रहे हो। और मैं रात को आराम से घर पे बैठी हुई थी, खाना वाना मैंने खाया और पति मेरा मुझे छेड़ रहा था, चल यार मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह उठना है, तू भी चल। तो मैं अभी ये उसको बोल ही रही थी कि नहीं यार, मैं अभी थोड़ा टाइम बैठूंगी, वेट करूंगी, क्योंकि अभी मेरा स्टैंड बाय जो है वो 7 बजे शुरू हुआ है, रात के 2 बजे तक है। तो मैं कम से कम 1.5-2 बजे तक वेट करूंगी, जब तक मेरा स्टैंड बाय खत्म नहीं होता मैं तब तक सोने नहीं जाती, ये मेरी हैबिट है। तो वो अभी बोल ही रहा था, उसी वक्त मुझे एकदम से फोन आया कि आप जी इंडोनेशिया जा रहे हो। तो चलो कोई बात नहीं, तो अमित चला गया लेटने के लिए। तो मुझे बोलता है कि मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग पिकअप है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप करने भी नहीं जा सकता, और जहां पे मैं रहती हूँ वहां पे टैक्सी ढूंढना थोड़ा रात को एक टास्क है, और गाड़ी मैं ड्राइव करती हूँ लेकिन एयरपोर्ट के पास में पार्किंग थोड़ी दूर है, तो इस वजह से मैं अपनी जो गाड़ी है वो नहीं निकालती हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। तो जब ये बात हुई तो अब मैं भी उसमें कश्मकश में कि मुझे कितने बजे की ब्रीफिंग थी, आई थिंक 1-1:15 बजे की ब्रीफिंग थी रात को, और 3 बजे के बाद का राउंड डिपार्चर था। तो फिर मैंने अपना बैग वैग पैक किया, अपना सामान सही किया, मेकअप लगाया, टैक्सी मैंने फिर बुकिंग की ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बुकिंग से ये होता है कि थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन वो जो आप उनको लोकेशन भेजते हैं तो उसी लोकेशन पे आपके लिए आके वेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ कर करा के फिर मैं रात की फ्लाइट के ऊपर इंडोनेशिया फ्लाइट के ऊपर चढ़ी। फ्लाइट टाइम अराउंड 8 घंटे रहता है, तो सारी ड्यूटीज व्यूटीज मिला के जब तक मैं होटल पहुंची थी, मुझे जागते हुए अराउंड क्योंकि अबूधाबी में मॉर्निंग में जागी थी, तो पूरा दिन पूरी रात और आधा दिन मतलब 1.5 दिन हो चुका था मुझे जागते हुए। जब मैं यहां पहुंची तो यहां थी 4 बजे थे, अराउंड 4:15। तो अब आके नहा के मुझे लगा, मैं क्या अब मैं 4:15 बजे सोऊंगी, जबकि मैं बहुत थकी हुई थी। मैं क्या अगर मैं 4:15 बजे सो जाऊंगी तो फिर मैं उठूंगी तो रात हुई होगी, तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। और था क्या, इस होटल के साथ एक अटैच्ड मॉल है और इसी होटल में एक एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो फिर मेरे मन में वही कश्मकश आनी शुरू हो गई कि क्या किया जाए, सोया जाए, जागा जाए, कहीं जाया जाए। फिर मैंने हिम्मत दिखाई, आधा पौना घंटा मैं बैठी, थोड़ा मैंने अपने मैसेज वगैरह चेक किए, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं निकल गई, मॉल चली गई, थोड़ा खाना वाना खाया, काफी सारी वॉक की। आप मानेंगे नहीं, रात को मुझे सोते सोते यहाँ पे लोकल टाइम 2 बज गए थे, काफी लेट सोई हूं मैं। तो लगभग करीबन 2 पूरे दिनों के बाद मैं सोई, आज मेरा चेहरा जो है वो फ्रेश लग रहा है मेरे अपने नजरों में। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहने वाले, बता दीजिएगा मुझे। तो जब मैं सोई हूं ना, आज जिस साइड पे मैं सोई हुई थी, मैं उसी साइड पे ही सोते मतलब सुबह जब मैं उठी हूं तो मैं उसी साइड पे सोई हुई थी, पूरी रात मैंने साइड भी चेंज नहीं की। तो ये थी स्टोरी मेरी इंडोनेशिया इस बार आने की, जो मेरा दिल किया कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं। और इससे ये सीख है, या वो फ्यूचर कैबिन क्रू मेंबर्स जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उनको ये बताऊं कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत अनसर्टन फुल ऑफ अनसर्टिनिटी है। तो किस टाइम पे भी किस फ्लाइट पे कॉल आ जाए, कौन सी फ्लाइट कब चेंज हो जाए, आप जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ सडन जी उनको जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी कंपनी को तो हमें अमेरिका भेज देते हैं, तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कहीं किसी और डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, ऑल ऑफ सडन अगर जरूरत पड़ जाती है तो कहीं और भेज देते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने सूटकेस पैक किया हो गर्म कपड़ों से और ऑल ऑफ सडन समर डेस्टिनेशन जाना पड़ जाए तो क्या? तो यही कि बैग में जो है समर के क्लोथ्स और विंटर के क्लोथ्स दोनों ही होने चाहिए, राइट? तो ये थी छोटी सी एक नॉट मसाला स्टोरी, पर मेरा दिल किया कि आपको बताऊं कि कितनी अनसर्टेनिटी सी रहती है कभी कभी। लेकिन अच्छा रहा, एशिया मेरा हमेशा से फेवरेट रहता है,
खाने पीने के मामले में, घूमने के मामले में, शॉपिंग के मामले में एशिया इज द बेस्ट. तो मैं ये नहीं कह रही बाकी कंट्रीज खराब है, लेकिन एशिया यू नो थोड़ा सस्ता भी है. इस वजह से भी मुझे पसंद है, यहाँ के बहुत ज्यादा पैसे खर्चने नहीं पड़ते, मतलब पॉकेट को हाथ लगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता. हम सब सोचते हैं राइट, अगर मैं सोच रही हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी ये बातें सोचते हैं, और सब सोचते हैं, चाहे कोई किसी लेवल पे हो, किसी पोजिशन पे हो, हर बंदा सोचता है. तो अभी क्या, अभी बस मैं उठी थी, उठते ही मैंने आज हिम्मत की, मैंने कहा नहीं आज मैंने बेड के ऊपर लेजी अराउंड नहीं करना. उठी, फटाफट से शावर लिया, पानी पिया, अभी चाय कॉफी कुछ पीने के लिए नीचे जा रही हूँ, और थोड़ा वॉक करूंगी, थोड़ा घूमू फिरूंगी. तो चलिए, ये था एक छोटा सा बस आपको मैंने देना था कि इसका, मेरे इंडोनेशिया आने का जो एक बैकग्राउंड है वो क्या था. तो चलिए फिर किसी और छोटी सी स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. यू नो मेरी क्यूट क्यूट सी ये छोटी छोटी सी बातें आपको कैसी लगती हैं वो बताना मत भूलिएगा. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बात नहीं है तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं शेयर नहीं करूंगी आगे से. सो चलिए आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं. सो टिल देन गाइज, हैव अ गुड डे, यू एंजॉय योर टाइम, एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बाय बाय.